तो जैसा कि हम अभी जा रहे हैं समुद्र में फोटो खींचने, ये फोन लेकर जा रहा हूँ उधर, क्योंकि मंदिर के अंदर चेकिंग चालू है। वहाँ पर पुलिस वाले जो है फोन ले नहीं जाने दे रहे हैं। पीछे विवेक दौड़ के आ रहे हैं जो कि, लेकिन इधर थोड़ा लूट मची है। देखो फोन ले जाने नहीं दे रहे, उधर कैमरामैन को बिठा रखा है फोटो खींचने के लिए, और उधर जो पुल है समुद्र में जाने के लिए उसको बंद कर रखा है। उसके बदले बोट में बोट चालू है, ऊँट की सवारी चालू है, क्योंकि उसको कुछ आमदनी हो, क्योंकि पुल एकदम अच्छा है, फिर भी नहीं उसको चालू कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं सीधा समुद्र। तो मैं अभी आ चुका हूँ समुद्र के किनारे। जैसा कि आप लोग यहाँ पीछे नज़ारा देख सकते हैं, अभी इसके पीछे ना और भी समुद्र है, और यहाँ पर ये ऊँट खड़ा है, इसकी जो सवारी 100 रुपए ले रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर, देख सकते हैं इधर, यहाँ पर थोड़ा सा लहरों का आनंद लेते हैं हम। अभी हम आपको दिखाते हैं समुंदर की बड़ी बड़ी लहरें। यहाँ तक देखो, यहाँ तक लहर आ रही है, यहाँ तक। तो बस आप लोग देख सकते हैं कि यार बहुत तेज हवा चल रही है, और समुंदर की लहरें तो आप देख ही रहे हैं पीछे। तो अभी हम जा रहे हैं इधर इस साइड में, यहाँ पर फोटो खींचेंगे जा करके। समंदर इसमें थोड़ा सा नज़दीक दिखेगा। हम लोग अब ऊँट में बैठ करके घूमने जा रहे हैं थोड़ी दूर तक। अभी यहाँ से हमको थोड़ी दूर ले जाएगा, उसके बाद हमको वापस भेज देगा। गाइस आप लोग देख सकते हैं, मैं इधर ऊँट में बैठा हूँ, ऊँट की सवारी कर रहा हूँ। यहाँ पर 20-20 रुपए में, उधर 100-100 रुपए ले रहा था यार, इधर तो बड़ा सस्ते में है। इतना मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा। बात कैसे आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा तो, आनंद तो आ रहा है भाई। भाई ऊँट की सवारी हल्की हो या भारी, 20 रुपये सवारी, इसको बैठना आ सकते हैं ऊँट पे। यहाँ पर ये द्वारिका में है जो गुजरात में पड़ता है। तो हमारा ऊँट जो है टर्न ले चुका है यहाँ से, अब हम लोग फिर से बैग वापस जाने वाले हैं। बैठे हो, मज़ा तो भाई आ रहा है पूरा पूरा। हुआ हाँ। मज़ा आ रहा है हाँ। कुछ बोल, हाय बोल, हाय हाय। ऊँट की सवारी हल्की हो या भारी, हाँ भाई नीचे यहाँ पर रेत है, यहाँ पर जाना चाहिए। यहाँ पर ऊँट जो है वापस आ चुका है हम लोगों को ले करके। अब हम लोगों को यहाँ पर ये उतार देगा, इसके बाद इसको हम लोग पैसे दे देंगे। अब हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और यहाँ से जाने वाले हैं भेड़ द्वारिका। गाइस अभी एक और ये मंदिर मिल चुका है, तो इसके अंदर हम लोग जाकर देखते हैं कि क्या है इस मंदिर के अंदर, क्योंकि हम लोग घूमने के लिए निकले हैं, तो सोचा कि ये मंदिर एक रास्ते में मिला तो इसमें भी घूम लिया जाए। गाइस ये जो मंदिर है ना पीछे, ये रुक्मणी माता जी का मंदिर है। ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था कि ये किसका मंदिर है। मैं आया सीधे इधर, तो ऑटो वाला लेके आया, मैं सीधा गया उधर, माता जी को प्रणाम वणाम किया और बाजू में से निकला, तो वहाँ पर लिखा था कि ये रुक्मणी माता जी का मंदिर है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी बोट हैं, हम लोग अब बोट से जाएंगे कहाँ, मंदिर में, क्योंकि तो मुझे पता नहीं ये कौन सा प्लेस है, जगह का नाम हमको पता नहीं है, मैं उधर जाके ही पता कर सकता हूँ। इधर बोट में बैठ के जाएंगे अभी हम। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये बोट है, फुली फिल हो चुकी है, और यहाँ पर इतने आदमी, कम से कम 100 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं इसमें। यहाँ पर पीछे भी बोट है, मतलब 100-200 कम से कम बोट है यहाँ पर, जितना कि माना मुश्किल है। इधर देखो उधर बोट, बस चलते हैं अभी समंदर के उस पार, और वहाँ पर देखते हैं कैसा क्या है, मंदिर है क्या है, मुझे तो पता नहीं है क्या है उधर। गाइस आप लोग ये जो देख रहे हैं, ये समुद्र के ऊपर एक ब्रिज बन रहा है। अभी ब्रिज बन रहा है, मुझे नहीं पता ये कैसे बन रहा है, लेकिन बन रहा है। ये ब्रिज बन जाएगा तो फिर ये बोट वाला काम ख़त्म हो जाएगा, जो मंदिर जाने के लिए बोट का उपयोग किया जाता है। भाई इसको चलाने के लिए एक अंदर उस्ताद बैठे हुए हैं, और एक भाई उधर बैठा, वो ब्लैक टोपी लगा के
वो इनको कोई इशारा देता है तभी चलते, क्योंकि उस तरफ पता नहीं दिखाई देता है कि नहीं देता है। गाइस में जो बोट दिख रही ना सारी, ये सारी सवारियों के लिए नहीं, ये कुछ मछुआरों वाली बोट भी है। ये वाली जैसे है इसमें मछुआरा, ये लोग जाल डाले हुए, जाल आपको दिख रहा है, ये जाल पड़ा है नीचे पुल की। भाई टेक्नोलॉजी देख लीजिए किस तरह से पुल बन रहा है भाई, बीच में इधर उधर बांध दो। गाइस हम लोग अब बोट से उतर चुके हैं, बोट हमारा पीछे खड़ा है उधर। अब हम लोग यहाँ रास्ते से जाएंगे, ये इधर रास्ता बना है ना, जो उस रास्ते के माध्यम से जाएंगे हम लोग भेड़ द्वारिका, जहाँ हमारे ना उसका नाम भेड़ द्वारिका। मुझे पहले पता नहीं था, अभी पता चला है थोड़ी देर पहले, हमें कुछ पता था है नहीं, बस आ गए। वैसे मंदिर अभी थोड़ा दूर है यहाँ पर, क्योंकि रिक्शे वगैरह खड़ा है तो शायद दूर ही होगा, क्योंकि रिक्शा खड़ा है तो दूर होगा, इसलिए तो सवारी लेके जाता है। चलो उधर ही जाके फिर हम लोग मिलते हैं वीडियो में आगे। तो गाइस अभी अभी एक सूचना मिली है कि मोबाइल फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है, तो वहाँ का वीडियो हम नहीं शूट कर पाएंगे। और विवेक हंस क्यों रहे इधर बताओ, पहले तुम क्या देख रहे वीडियो। गाइस तो हम लोग अभी जहाँ गए थे द्वारिका, भेड़ द्वारिका, वहाँ पर दर्शन वर्शन करके वापस आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर मोबाइल ले जाना वर्जित है, तो वहाँ का फोटो वोटो नहीं खींच पाए हैं। और यहाँ पर जो है कि बोट आ गई हमारी, यहाँ पर देख सकते हैं भीड़ बहुत लगा है। अभी उसी में बैठकर हम लोग फिर से उस पार जाएंगे, और वहाँ से ऑटो में बैठकर फिर वहीं चले जाएंगे होटल में। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर। गाइस तो अभी मैं आ चुका हूँ गोपी तालाब में, जो कृष्ण जी की ये नगरी है द्वारिका नगरी। तो यहाँ पर इस तालाब है, ये इस तालाब का नाम है गोपी तालाब। यहीं पे जो कृष्ण गोपियाँ आया करती थी, कृष्ण उस वाले पेड़ में बैठ के उनके धोती खींच लिया करते थे। ये अभी चौथा मंदिर है हमारा, जो हमने अभी तीन मंदिर घूम लिए और ये चौथा मंदिर है गोपी तालाब इसका नाम है। मंदिर भी है पीछे, उसमें गोपी मंदिर ऐसा कुछ लिखा हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया है। ये कृष्ण जी की गोपियों का मंदिर है और तालाब भी पीछे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नींबू सोडा की दुकान है, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर नींबू सोडा थोड़ा पी लिया जाए, ताकि हम लोगों की हेल्थ सही रहे। और आप लोग जैसा ही ऐसा देख ही सकते हैं। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि शंकर जी की कितनी बड़ी मूर्ति है, यहाँ पर बारिश हो जाती है, बहुत बड़ी मूर्ति है। लेकिन कुछ ये भी नहीं पता है आज की ये कौन सा मंदिर है, कहाँ का मंदिर है। चलिए देखते हैं आगे चल कर की क्या है क्या नहीं है। ऐसे तो शिव मंदिर तो सबका दिखा। तो ये अभी पांचवा मंदिर है हम लोगों का, सुबह से हम लोग घूम रहे हैं, ये पांचवा मंदिर है जो कि शंकर जी का है। देखो भाई ये कितनी बड़ी मूर्ति है शिव जी की, यहाँ पर लोग फोटो वोटो खींच रहे हैं उनकी। तो गाइस हम आ चुके हैं सोमनाथ मंदिर में, पीछे मंदिर नहीं दिख रहा है, अभी अंधेरा है, वहाँ पे फोन ले जाने नहीं देते हैं, तो हम लोग यहीं से जो वीडियो वीडियो बनाएंगे यहीं से बना सकते हैं बस। अभी थोड़ा सा उजाला हो जाएगा तो भी दिखेगा मंदिर, जब तक हम लोग उधर से आरती वारती लेके आएंगे, क्योंकि उधर मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो वहाँ हम वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, ये जो बैग पीछे दिख रहा है ये इसको जमा करने।